नमस्कार दोस्तों, आज हम एक जीत के उपलक्ष्य में, क्योंकि हमें सुनने में मिल रहा है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के नेतागण उत्तर प्रदेश में एक विशाल इमारत BRMGSS के लिए बना चुके हैं। इसी खुशी में वो लोग माला पहने, तालियां बजी होगी, मिठाइयां बटे होंगे। तो ये रेगुलराइजेशन की तरफ हम 4 कदम आगे बढ़ चुके हैं। इसी खुशी के अवसर पर आइए हम सभी लीडर्स के लिए मटन बनाने का तरीका सीखें। सभी को इस मटन बनाने के तरीके को सीखकर अपने अपने घर में मटन बनाना चाहिए, क्योंकि हम जीत चुके हैं। हमारे BRMGSS के बड़े बड़े कार्यालय खुलने लगे हैं, सभी राज्यों में होगा, सभी डिस्ट्रिक्ट में होगा। एक ऑफिस का कीमत होगा कम से कम 50 करोड़ के लगभग, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ हमें पॉलिसी मिल गया है जिसमें लिखा गया है कि डिपार्टमेंट लेबर सिस्टम और DPS डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम के तहत मजदूरों को आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर नौकरियां करीब करीब 50 से लेकर 1,20,000 के रूप में तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी खुशी को देखते हुए हमने उनके साथ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत ही आनंदित होकर एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटी, फूल हार माला पहने, हम भी अपने अपने घर में सभी लोग मटन आधा किलो मंगाएं या 1 किलो मंगाएं और इस खुशी के अवसर पर मटन कैसे बनाना है उसे सीखें। आइए, हमारे एक मजदूर भाई मटन बनाना हमें सिखा रहे हैं एक शानदार तरीके से। दोस्तों, आप लोग ने मटन अलग अलग तरीकों से बनाया होगा, बाजार से ला के भी खाया होगा और घर पे भी बनाया होगा, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप घर पे बिहारी स्टाइल मटन करी की रेसिपी को बना सकते हैं। और सच मानिए, इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। इसके पीसेस देखिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। उसी के साथ मैं आपको ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो कि बिहार वाले इस्तेमाल करते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शेफ अमन और आज बनाते हैं हम घर पे बिहारी स्टाइल मटन करी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बनती कैसे है। बिहारी स्टाइल मटन करी बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कढ़ाई ले लीजिए। और दोस्तों, बिहारी स्टाइल मटन करी बन रही है तो सरसों के तेल में बिल्कुल बनेगी। तो मैंने क्या किया है, 2 करछी सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है और इसे गर्म करके ठंडा कर लिया, यानी कि साड़ लिया है। साथ में मैं कुछ खड़े मसाले भी ऐड करूंगा, जिसमें मेरे पास 5 तेजपत्ता है, 4 सूखी वाली मिर्च या फिर खड़ी वाली लाल मिर्च है और उसी के साथ में मैं 3 हरी वाली इलायची का भी इस्तेमाल करूंगा। आधी चम्मच मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, 2 मैंने काली वाली या फिर बड़ी वाली इलायची का इस्तेमाल किया, 1 छोटी दालचीनी है और 1 बड़ा पीस मैंने जावित्री का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास पत्थर के फूल हो तो वो जरूर ऐड कीजिएगा। मैंने सभी मसालों को गर्मा गर्म तेल के अंदर ऐड कर दिया और ये सरसों का तेल मसालों के साथ मिलके आपके घर पे बढ़िया सी खुशबू दे देगा। और ये मसाले जैसी पक जाए मैं उसके बाद ऐड करूंगा इसके अंदर प्याज। बिहारी स्टाइल मटन करी में ना तो टमाटर जाएगा ना दही जाएगा, जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ प्याज। तो मैंने क्या किया है, 6 बड़े साइज की प्याज का इस्तेमाल किया है, इनके स्लाइस कर लिया लेकिन स्लाइस थोड़ा सा मोटा रखा है मैंने। और ये 6 प्याज मैंने ऐड कर दी कढ़ाई के अंदर और इसको अच्छी तरीके से अब मैं पकाना शुरू कर दूंगा। बिहारी स्टाइल मटन करी जब आप घर पे बना रहे हो तो क्वांटिटी में काफी कम बनाते हैं, तो इसीलिए आपको प्याज को अच्छी तरीके से पहले पकाना होगा। ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो प्याज को थोड़ा बहुत भी पकाते हैं तो उसके बाद ये अच्छी तरीके से पक जाती है, लेकिन बिहारी स्टाइल जब घर पे बनाते हैं तो इसको प्याज को अच्छी तरीके से पकाना जरूरी है। और इस बिहारी स्टाइल मटन करी के अंदर हम 2 बड़े लहसुन के पीसेस को भी ऐड करेंगे, क्योंकि यही तो हमारे बिहार की शान है। तो हमने इसे ऐड कर दिया और प्याज को अच्छी तरीके से पकाया। देख सकते हैं आप दोस्तों, प्याज ने काफी सारा अपना पानी छोड़ा। मैंने एकदम हाई फ्लेम पे पकाया है, बीच बीच में चलाते रहा हूं मैं अच्छी तरीके से। तेल की क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण प्याज जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से भुनेगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। प्याज को भुनते हुए 15 से 16 मिनट हो चुके हैं, बढ़िया तरीके से गोल्डन हो चुकी है और ये एकदम परफेक्ट प्याज है हमारे बिहारी स्टाइल मटन करी में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को। तो कम से कम मैंने 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट का इस्तेमाल किया है, जिसमें मैंने 15 से 16 लहसुन के टुकड़े लिए हुए छिले वाले, 1 बड़ा पीस मैंने अदरक का लिया है और 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार रखिएगा। ये वाली जो ग्रेवी मैं बना रहा हूँ हल्की सी चटपटी रहेगी, यानी कि स्पाइसी रहेगी। और अदरक लहसुन हरी मिर्च के पेस्ट को ऐड करने के बाद आपको लगातार 3 से 4 मिनट इसको चलाते जाना है और ये एक समय ऐसा आएगा जब बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहेगा, तब आप हल्का सा गर्म पानी ऐड कीजिए और इसको एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा। देख सकते हैं आप, ग्रेवी के अंदर बढ़िया सी चमक आ जाएगी और जो हम लोग की प्याज है वो बढ़िया तरीके से गल जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में अभी देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमारी प्याज बढ़िया तरीके से एकदम ग्रेवी में घुलने लगी है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि बिहारी स्टाइल मटन करी का सबसे बड़ा सीक्रेट होता क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मैंने 1 किलो मटन लिया है, लेकिन ये 1 किलो मटन बिहार में काफी ज्यादा अलग मिलता है। दोस्तों, वो इस्तेमाल करते हैं खस्सी बकरे का मटन। अब ये खस्सी बकरा ये होता है कि उसको नपुंसक कर दिया जाता है और उसके बाद उसकी ग्रोथ
की जाती है। सुनने में ये काफी ज्यादा आपको हैरान कर देगा, लेकिन सच मानिए दोस्तों, असलियत तो यही है। होता यह है कि उससे उसके अंदर का जो मांस रहता है उसके साथ में उसके जो चर्बी रहती है वो काफी ज्यादा तेज स्पीड में ग्रो करती है। इससे बकरा जो है वो ज्यादा हाइट का तो नहीं होता है, ज्यादा तेजी से तो नहीं बढ़ता, लेकिन उसके अंदर जो फैट रहता है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। और अगर आप खाने के वीडियोस देखते हो, जैसे कि काफी ज्यादा चैनल दिखाते हैं हम लोग को बिहार और पटना वाले, उसमें बताते हैं कि जो बिहारी स्टाइल मटन करी है वो एक घंटे के अंदर पक गई, लेकिन हमारे वहां पे तो मटन एक घंटे में बिल्कुल पकता ही नहीं है। मटन पकने में हमारे वहां पे कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, बात ही बातों में यहाँ पे मैंने मटन को बढ़िया तरीके से भुना है 10 से 15 मिनट तक। थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करूंगा, एक बार अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा। और मैंने जो मटन की क्वांटिटी की बात करी है वो 1 किलो मैंने इस्तेमाल करी है। अच्छी तरीके से मैंने इसकी भुनाई करी है और ग्रेवी को बढ़िया से मटन पे लिपटा दिया है। बिहारी स्टाइल जो मटन करी रहती है वो शुरू में तो बिल्कुल लगी लिपटी होनी चाहिए। देख सकते हैं आप, चमक आ चुकी है मटन में बहुत ही बढ़िया सी। और 15 मिनट की भुनाई के बाद हम इसके अंदर कुछ पाउडर वाले मसाले भी ऐड करेंगे, जिसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच देगी मिर्च और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, और साथ में 2 चम्मच धनिया पाउडर के भी इस्तेमाल किए हैं। इन सभी मसालों को हम ऐड कर देंगे मटन करी के अंदर और बढ़िया से मीडियम फ्लेम पे इनको पकाना शुरू कर देंगे। और मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो बकरा खरीदते हैं वो आता है 600 से 700 रुपए किलो के बीच में, लेकिन ये जो खसी बकरा आता है जो कि बिहार वाले इस्तेमाल करते हैं वो आता है 750 से लेकर 800 रुपए के बीच में। तो वो महंगा भी होता है, लेकिन उसका स्वाद जो रहता है दोस्तों वो बिल्कुल अलग रहता है। आप यकीन मानिए, अगर आपने एक बार वो खा लिया तो आप उसका स्वाद कभी भूल ही नहीं सकते। उसकी रंगत भी ऐसी है, उसका गोश्त भी बहुत अच्छा है। दोस्तों उसी के साथ यहाँ पे मैंने क्या किया है, बढ़िया तरीके से 10 मिनट तक मैंने मसालों के साथ मटन को भुना है। बहुत ही बढ़िया सा लिपट गया है हम लोग का मसाला हमारे मटन के ऊपर में। तो मैं इसको बस एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगा। और यहाँ पे अब आती है एक मेन बात जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि बिहारी स्टाइल मटन करी आप कढ़ाई के अंदर बनाएं तो आप अभी इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं इसको साइड में रखता हूं। मैंने लिया है यहां पे एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल हमें बहुत ही कम देर के लिए करना है दोस्तों, लेकिन इससे काम जो है वो बहुत ही ज्यादा फटाफट हो जाता है। तो मैंने जितना भी मीट था वो प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर दिया। अब आप बिहारी मटन बना रहे हैं तो ये मत कीजिएगा कि भाई कढ़ाई के अंदर पूरा बनाइए। देखिए हम लोग के वहां पे कढ़ाई में बनने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर आप बिहार से हैं, खस्सी बकरे के बारे में जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सबको नॉलेज मिलेगी उसके बारे में। क्योंकि खस्सी बकरा पकने में 1 से 1.5 घंटा लगता है और हमारे वहां पे तो भाई 3 से 4 घंटे हम लोग खड़े रहते हैं, वो गलता ही नहीं है। इसलिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा मैं गर्म पानी ऐड करूंगा जिससे कि मसाला बढ़िया तरीके से सेट हो जाए। अभी मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं, बाद में तो हम और ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से जो ग्रेवी है वो मसालों के साथ मिल जानी चाहिए और साथ में मटन के ऊपर ये मसाला अच्छी तरीके से चढ़ जाना चाहिए। अब मैं क्या किया, 5 से 10 मिनट इसको पकाया। कढ़ाई के अंदर जो मसाला बचा था उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसको प्रेशर कुकर के अंदर ऐड किया और उसी के साथ में मैंने इसको पकाना शुरू कर दिया। और बिहार वाले हैं तो भाई इसके अंदर चर्बी भी ऐड करते हैं। मैं तो चर्बी ऐड नहीं कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएगा। और देखिए आप, भुनाई करते हुए मेरे को कम से कम 25 मिनट हो गए हैं। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, पीसेस को देख सकते हैं आप, बढ़िया तरीके से इन पे रंगत आ चुकी है और भुनाई अभी भी चालू है। आधा घंटा हो गया हो तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसके अंदर काफी सारा पानी ऐड कीजिए जिससे कि ये प्रेशर कुक हो सके बहुत ही सही तरीके से। और पानी तो कम से कम आपको 0.5 लीटर से लेकर 1 लीटर के बीच में ऐड करना है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, क्योंकि प्रेशर कुक जब भी आप मटन को करते हैं, खास करके ये बिहारी स्टाइल मटन करी को, तब ये पानी पिएगी, क्योंकि इसके अंदर मसाला बहुत सारा है। तो इसलिए आप पानी की क्वांटिटी को थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा। मसाला अगर आपका ऐसा दिख रहा है तो इससे भी थोड़ा सा पतला रखिएगा और मसाले के अंदर एक अच्छा सा उबाल आने दीजिएगा एकदम हाई फ्लेम पे। तब हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन लगाएंगे और फिर इसको सही तरीके से प्रेशर कुक करेंगे जिससे कि एक बढ़िया बिहारी स्टाइल मटन करी घर पे बन सके। मैंने एकदम हाई फ्लेम पे प्रेशर कुकर को रखा, इसका ढक्कन लगा दिया। प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बना तो 1 सीटी आई। 1 सीटी एकदम हाई फ्लेम पे दीजिएगा दोस्तों और इसका प्रेशर अच्छी तरीके से निकल जाने दीजिए। उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को एकदम धीमे कर दिया। अब मैं इसको धीमी आंच पे 15 मिनट के लिए पकाऊंगा, बीच में बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। सीटी को अपने आप निकलने दीजिए और जब प्रेशर कुकर की सीटी निकल जाए अच्छी तरीके से ठंडा होने दीजिए, गैस को बंद कर दीजिए। और जैसे ये ठंडा होगा उसके बाद हम खोल के देखते हैं हमारी बिहारी स्टाइल मटन करी को। दोस्तों हमारा स्टूडियो सेकंड फ्लोर पे है और सेकंड फ्लोर से आप अगर मेन रोड की तरफ देखेंगे ना, तो जो उसके सामने से निकल रहा था अपने घर से पराठे लेके आ रहा था कि भाई एक बार ये बिहारी स्टाइल मटन करी टेस्ट करवा दो। इतनी ज्यादा खुशबू कि पूरे घर में तो आई गई थी, पूरे मोहल्ले में भी आ गई थी और रोडों पे फैल गई थी। बहुत ही जबरदस्त हम लोग का बिहारी स्टाइल मटन करी बनी है। पीसेस बहुत ही जबरदस्त तरीके से गले हुए हैं और ग्रेवी तो खाने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। सच मानिए, इसमें बस 1 चम्मच मैंने मीट मसाले का ऐड किया है, गर्म मसाले का ऐड बिल्कुल नहीं किया। बहुत ही चटपटा मटन बना है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी मैंने ऐड किया है और इसको एक बार अच्छी तरीके से मैंने मिक्स किया है। ग्रेवी तो दोस्तों कसम से बता रहा हूँ बहुत ही जबरदस्त थी। पीसेस के अंदर तक फ्लेवर था, वो जो मसाले थे बिहारी स्टाइल वाले वो बिल्कुल अंदर तक स्वाद दे चुके हैं अपना। और यदि एक बार आपके घर पे भी बन गया ना इसी तरीके से, सच मानो आप सब आपकी तारीफ करते रह जाएंगे। चटपटा मटन है, बिल्कुल चटपटा मटन है, खाने में मजा आ गया था। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल बढ़िया से गला हुआ मटन आप घर पे बनाइए। शेफ अमन बिसारिया नाम है मेरा। रेसिपी पसंद आई हो, नॉलेज पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जरूर जाइएगा। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। और अगर आपके पास कोई और नॉलेज है बिहारी स्टाइल
मटन करी के बारे में, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। मैंने अपनी नॉलेज शेयर करी आपको, अगर सही लगी तो बताइए, गलत लगी तो बताइए, लेकिन सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो हम फिर मिलेंगे नई नई वीडियोस और रेसिपीज के साथ दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। आपने इस वीडियो में देखा कि बिहारी मटन कैसे बनाई जाती है। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी मटन कैसे बनाए जाते हैं वे भी हमें वीडियो बनाकर मेरे चैनल के लिए या BRMGSS के चैनल के लिए भेजेंगे, ताकि हम उसे पब्लिश करेंगे। क्योंकि अभी तक BRMGSS की तरफ से, जो यूनियन के बड़े लीडर्स हैं उनकी तरफ से, जब तक हमें सही सूचनाएं नहीं मिलेगी हम पब्लिश नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब तक न्यूज़ नहीं आता है तब तक हम एक सप्ताह तक मटन कैसे बनाना है, चाइनीज़ मटन कैसे बनाना है, तमिलियन मटन कैसे बनाना है, और झारखंड के आदिवासी लोग मटन कैसे बनाते हैं, वेस्ट बंगाल में मटन कैसे बनता है, उस साथ ही साथ हम सीखेंगे छत्तीसगढ़ में मटन कैसे बनता है, हम सीखेंगे कश्मीर में कैसे मटन बनता है, पंजाब के लोग, वाह वहाँ तो हमारे रेलवे मंत्री जी श्री बिट्टू जी ने समय दे रखा है, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है, वहाँ का मटन कैसे बनाई जाती है, इत्यादि को सीखेंगे। जब तक कि अगला न्यूज़ हमारे सभी BRMGSS के मीडिया तक नहीं आती है तब तक हम मटन बनाना सीखें। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में मिठाइयाँ बटी, और हमारे देश में हमें पता है कि बहुत लोग वैष्णव होते हैं, मटन तो खाते नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग सीखेंगे मिठाइयाँ भी कैसे बनाई जाती है। जो लोग मटन नहीं खाते हैं या चिकन नहीं खाते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग चिकन बनाने का भी वीडियो अपने अपने घर में बनाने का वीडियोस बनाकर मुझे भेजेंगे, ताकि हम उसे पब्लिश करेंगे और जो जीत हमें प्राप्त हुई है उसका सेलिब्रेट करेंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।